हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ मॉर्निंग बेटा। क्या गुड मॉर्निंग सर। चलो। हाँ बेटा, लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया था बताएंगे जरा। फोरियर ट्रांसफॉर्म स्टार्ट कराया था मैंने आपको। फोरियर ट्रांसफॉर्म के 6 फॉर्मूले आपको बता दिए थे। फोरियर ट्रांसफॉर्म, इट्स इनवर्स, फोरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म एंड देयर इनवर्स। और क्वेश्चंस भी कराए थे। अभी प्रॉपर्टी मैंने शो ऑफ नहीं करी है, ठीक है? प्रॉपर्टीज वगैरह भी मैंने नहीं पढ़ाई है आपको, ठीक है? अभी मैं सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस पढ़ा रहा हूँ आपको, फोरियर ट्रांसफॉर्म के क्वेश्चंस, फोरियर साइन और कोसाइन ट्रांसफॉर्म क्वेश्चन। हाँ बोले बेटा। एनीवन एस कुछ बोल रहे हो आप? स्क्रीन शेयर करूं फिर मैं वापस? अच्छा ये देखो, फोरियर ट्रांसफॉर्म का इंट्रोडक्शन कल अपने स्टार्ट कर दिया था। फोरियर ट्रांसफॉर्म कहाँ 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 यूज होता है, फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म, डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म कहाँ कहाँ यूज में आते हैं, ठीक है? और फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूलाज मैंने आपको बता दिया था, उसका इन्वर्स एक फूरियर बार। सीरीज हाँ एक बार इन्वर्स मैं आपको फिर से क्लियर करता हूँ, ठीक है? फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है हमारा? किसी फंक्शंस का फोरियर ट्रांसफॉर्म जो कि फ्रीक्वेंसी को टाइम डोमेन में कन्वर्ट करता है, किस रेंज में? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की रेंज में। इसको कॉम्प्लेक्स फोरियर ट्रांसफॉर्म भी बोलते हैं। फॉर्मूला होता है 1/√2π इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी e की पावर ISX FX dx, कन्वर्ट करता है एफ एस में, वेयर एस इज द पैरामीटर। इसको और करके हम ऐसे लिख सकते हैं, f(f)(x) इज इक्वल टू एफ एस। इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा? एफ इनवर्स एफ एस, उल्टा करेंगे, एफ एस से एफ एक्स बनाएंगे, हो जाएगा 1/√2π इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी e की पावर माइनस ISX एफ एस और डी एस, कन्वर्ट करेगा एफ एक्स में, ठीक है? बस यहाँ पर माइनस आता है, यहाँ पर प्लस रहता है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जिसको बोल सकते हैं इनवर्स। एफ इनवर्स इज कॉल्ड इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म, ठीक है? एफ इनवर्स इज कॉल्ड इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म। 1/√2π इज द कोफिशियंट्स ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। इसको हम कोफिशियंट्स ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म बोलते हैं, 1/√2π को, ठीक है ना? दैट इज चलो। और अपने मैंने आपको बताया था फोरियर कोसाइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म। तो फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म होता है एफ एस, एफ एस एफ ऑफ एक्स। एफ एस का मतलब है साइन इज इक्वल टू √2π इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी। इसमें हाफ रेंज होती है, 0 से इन्फिनिटी एफ एक्स साइन एस एक्स डी एस डी एक्स, कन्वर्ट करेगा एफ एस ऑफ एस में। इसको क्या लिखते हैं? एफ एस ऑफ एस, एफ एस ऑफ एस, या ऐसे भी लिख सकते हैं एफ एस ऑफ एस ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ एस ऑफ एस, इज कॉल्ड फोरियर ट्रांस, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स। इट्स इनवर्स क्या होगा? इनवर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म क्या होगा? एफ इनवर्स एस एफ एस ऑफ एस √2π इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी एफ एस ऑफ एस साइन एस एक्स डी एस, कन्वर्ट करेगा एफ एक्स में, वेयर एफ एस इनवर्स इज कॉल्ड इनवर्स साइन ट्रांसफॉर्म। इट्स कॉल्ड इनवर्स साइन ट्रांसफॉर्म, इसको बोलते हैं इनवर्स साइन ट्रांसफॉर्म, ठीक है? अब इसी तरीके से फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म क्या होगा? जहां साइन है वहां कॉस आ जाएगा, जहां एस है वहां सी हो जाएगा। तो फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स इक्वल टू √2π इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी एफ एक्स कॉस एस एक्स डी एक्स, कन्वर्ट करेगा एफ सी ऑफ एस में,
ठीक है, या इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ सी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी ऑफ एस, इट्स इनवर्स इज इक्वल टू एफ सी इनवर्स एफ सी ऑफ एस रूट में टू बाई पाई इंटीग्रल जीरो से इन्फिनिटी एफ सी ऑफ एस कॉस एफ एक्स डी एस, कन्वर्ट करेगा एफ एक्स में, दिस इज द फोरियर इनवर्स कोसाइन ट्रांसफॉर्म, रूट में टू बाई पाई इज द कोफिशिएंट्स ऑफ फोरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म, ठीक है, और किसी किसी बुक में रूट ना लेकर के उसने टू बाई पाई लिया है, कोई दिक्कत नहीं, डिपेंड करता है क्वेश्चंस पे, ठीक है, वो क्या लेके चलता है, बट स्टैंडर्ड बुक में तो वो अभी तक रूट में टू बाई पाई ही लेके चल रहे हैं, तो आप रूट में टू बाई पाई ही लेके चलेंगे। तो ये छह फॉर्मूले हैं, कल ये क्वेश्चंस भी मैंने आपको कराया था, फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स इक्वल टू वन और जीरो, या मोड एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू वो होगी क्या कहते हैं ए, और मोड एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन होगी, ठीक है, ग्रेटर देन होगी के लिए फंक्शंस की वैल्यू क्या है, जीरो दे रखी है। हाँ, आगे बढ़ू, ये क्वेश्चंस दोबारा क्लियर करूं आप लोगों को, स्टूडेंट दोबारा बता दो सर। हाँ, तो देखो ये हमारा रिपीट कर दो। हाँ, ये क्वेश्चन हमें दे रखा है, अब वो कह रहा है ऑल्सो वैल्यूएट, इस इंटीग्रल की वैल्यू पूछ रहा है, तो ध्यान रखना बेटा जब भी क्वेश्चंस में वो आपसे वैल्यू पूछता है या प्रूफ पार्ट आता है क्वेश्चन में, तो उस क्वेश्चन में हमें उसके इनवर्स का भी यूज करना पड़ेगा, ठीक है, और अगर सिंपल बोलता है कि फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म या फोरियर साइन और कोसाइन ट्रांसफॉर्म, तो सिर्फ और सिर्फ उसको आपको एफएस में कन्वर्ट करके छोड़ देना है, ठीक है, उसको आगे सॉल्व नहीं करना, यानी इनवर्स का यूज नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ वैल्यूएट के क्वेश्चंस में या प्रूफ वाले पार्ट में आपको उसके इनवर्स का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे ये मेरा फंक्शन है, फंक्शंस को मैंने यहाँ लिखा है मोड एक्स लेस देन इक्वल टू ए, और आपको पता है मोड के अंदर सारी वैल्यू होती है, पॉजिटिव रखे चाहे नेगेटिव रखे वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव ही आएगी, तो मोड एक्स लेस देन इक्वल टू ए का मतलब हो गया एक्स की वैल्यू माइनस ए से प्लस ए के बीच में लाई करेगी, क्यों, क्योंकि मोड एक्स लेस देन इक्वल टू ए है, तो इसका मतलब हुआ कि जो एक्स की वैल्यू है वो नेगेटिव ए की तरफ भी जाएगी, ठीक है, और इसको हम ऐसे ही लिखा रहने देंगे क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि एफ एक्स की वैल्यू जीरो है जब मोड एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन ए है, तो ग्रेटर देन ए कहां तक, ए से ग्रेटर कितनी, इंफिनिटी तक, तो उसमें उस कंडीशन में फंक्शंस की वैल्यू क्या है हमारी, जीरो है, ठीक है। अब फॉर्मूला लिखा, वी हैव बाय फोरियर ट्रांसफॉर्म, फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला लिख लिया हमने यहाँ पर, तो फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एनी फंक्शंस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू रूट में वन अपॉन रूट टू पाई इंटीग्रल माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी ई की पावर आई एस एक्स एफ एक्स डी एक्स, कन्वर्ट करेगा एफ एस में। यहाँ पर फंक्शंस हमारा लिमिट के फॉर्म में दे रखा है, ब्रेक करा हुआ है, तो इसको भी हम जो हमारे इंटीग्रल की लिमिट है इसको हम तीन पार्ट में ब्रेक करेंगे, कैसे कैसे, कि वन अपॉन रूट में टू पाई इंटीग्रल माइनस इनफिनिटी से माइनस ए ई की पावर आई एस एक्स एफ एक्स डी एक्स, फिर माइनस ए से ए ई की पावर आई एस एक्स एफ एक्स डी एक्स, प्लस ए से इन्फिनिटी ई की पावर आई एस एक्स एफ एक्स डी एक्स। अब इसमें दो में तो मुझे वैल्यू दे रखी है, एक तो इस कंडीशन में माइनस ए से ए में एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है, और ए से इन्फिनिटी में फंक्शन की वैल्यू दे रखी है, लेकिन माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए में फंक्शन की वैल्यू नहीं दे रखी, तो यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, उसको मुझे करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, ये यहाँ पर तो हो जाएगा जीरो, क्योंकि एफ एक्स की वैल्यू ए से इन्फिनिटी में क्या दे रखी है, जीरो दे रखी है, तो ये तो जीरो हो जाएगा, ये वाला इंटीग्रल यहाँ पर आ जाएगा वन, क्योंकि माइनस ए से ए में फंक्शंस की वैल्यू वन दे रखी है, तो यहाँ आ जाएगा वन, ठीक है। अब मुझे इस वाले पार्ट को सॉल्व करना है, तो इस वाले पार्ट के लिए मैं क्या करूंगा, इसको डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी की हेल्प लेते हुए इसको चेंज करेंगे, यानी मैंने एक्स के प्लेस पर माइनस वाई लेट करा, ठीक है, तो जब मैंने लेट करा तो मुझे कहीं ना कहीं इसकी लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी और डिफरेंशियल भी करना पड़ेगा, तो डीएक्स बराबर हो गया माइनस डी वाई, कोई फर्क नहीं पड़ा, लिमिट चेंज करोगे एक्स की लिमिट माइनस इनफिनिटी रखोगे और इधर है माइनस का वाई, वाई माइनस माइनस कट जाएगा, वाई की लिमिट होगी इनफिनिटी, एक्स की लिमिट माइनस ए रखोगे तो वाई की लिमिट प्लस ए हो जाएगी, क्योंकि इधर माइनस का वाई है और माइनस माइनस कट के प्लस ए हो जाएगा, ठीक है।
तो लिमिट हो जाएगी इंफिनिटी से ए, e की पावर माइनस का आई एस वाई एफ ऑफ माइनस वाई और माइनस का डी वाई। देखो ये वाला टर्म्स बनेगा, और जो माइनस साइन आया है माइनस का डी वाई जो आया है उस माइनस से लिमिट इंटरचेंज हो जाएगी, यानी लिमिट हो जाएगी ए से इंफिनिटी। तो देखो मैंने यहाँ डायरेक्ट करा है, लिमिट हो गई ए से इंफिनिटी ई की पावर माइनस का आई एस वाई एफ ऑफ माइनस वाई डी वाई। अब यहाँ तो आ गया वन, यहाँ आ गया जीरो, तो ये वाला इंटीग्रल तो हो गया हमारा जीरो। ठीक है, केवल मुझे इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है। अब मुझे इस फंक्शन की वैल्यू बतानी है, एफ ऑफ माइनस वाई की वैल्यू कहाँ से आएगी। तो ये जो मेरा फंक्शन है कौन सा वाला एफ एक्स, इसमें मैं एक्स के प्लेस पर अगर माइनस वाई लगाता हूं तो देखना क्या चेंज आएगा। फंक्शन में कुछ चेंज आ रहा है क्या, देखते हैं। फंक्शन तो मेरा कॉन्स्टेंट है, फंक्शन में तो कोई चेंज नहीं आएगा, बस यहां पर क्या होगा कि एक्स के प्लेस पे माइनस वाई रखना है। तो मॉड के अंदर सारी वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो मॉड एक्स मॉड वाई लेस देन इक्वल टू ए और मॉड वाई ग्रेटर देन ए, मॉड वाई ग्रेटर देन ए। तो उसने क्या बोला कि फंक्शन ऑफ माइनस वाई की वैल्यू, वाई की वैल्यू ए से ग्रेटर के लिए कितने दे रखी है, जीरो दे रखी है, सॉरी यहां पर जीरो दे रखी है। वाई की वैल्यू ए से ग्रेटर में क्या दे रखी है, फंक्शन की वैल्यू जीरो दे रखी है। तो ये इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो अब जब एग्जाम में इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो आप एक स्टेप स्किप कर सकते हो, डायरेक्टली आप यहां से आप सीधे यहां आ जाओ, ये दोनों पार्ट ना भी लिखो तीन पार्ट में ब्रेक करके। अगर किसी स्टूडेंट को लिखना है तो आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपको ये कंडीशंस बतानी पड़ेंगी, समझानी पड़ेंगी। और अगर आप ना भी बताओ तो आप डायरेक्टली इस वाले स्टेप पे आ सकते हो, यानी माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी वाली स्टेप को स्किप करके सीधा कहां आ सकते हो कि वन अपॉन रूट में टू पाई इंटीग्रल माइनस ए से ए ए ई की पावर आई एस एक्स एफ एक्स डी एक्स, और उसमें एफ एक्स की जो भी वैल्यू दे रखी होगी आपको वो सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखो मैंने आपको ये क्वेश्चन ओपन करके इसलिए बताया है कि क्योंकि बाद में आप पूछते कि सर आपने डायरेक्टली इसको कैसे लिख दिया है। ठीक है ना, अब देखो आगे बढ़ते हैं अपन, इस क्वेश्चन को अपन ने आगे कैसे करा है। देखो यहाँ पर आए हम, ये मैंने करके बताया आपको। तो देखो ये दोनों इंटीग्रल मेरे क्या हो गए, ये वाला भी जीरो हो गया क्योंकि एफ ऑफ माइनस वाई की वैल्यू वाई की वैल्यू ए से ग्रेटर में जीरो दे रखी है, तो मैंने यहाँ जीरो लगा दिया। तो ये वाला टर्म जीरो हो गया और ये वाला टर्म जीरो हो गया। तो बचा कौन सा इंटीग्रल, ये वाला इंटीग्रल बचा माइनस ए से ए ई की पावर आई एस एक्स वन और डी एक्स। अब इसका इंटीग्रल कर लिया मैंने, e की पावर आई एस एक्स का x के रेस्पेक्ट इंटीग्रल क्या होगा, e की पावर आई एस एक्स अपॉन आई एस, e की पावर आई एस एक्स अपॉन आई एस, और इस पे लिमिट लगा दी माइनस ए से ए, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट लगाई a तो e की पावर आई एस ए, माइनस करके लोअर लिमिट लगाएंगे माइनस का a तो माइनस का e की पावर माइनस a माइनस आई एस ए, तो ये आ गया अपॉन आई एस। ठीक है, और वन अपॉन रूट में टू पाई बाहर चल ही रहा है। अब इसकी वैल्यू मुझे बतानी है, इसकी वैल्यू क्या होती है। तो बेटा हम सब जानते हैं e की पावर आई थीटा की वैल्यू क्या होती है, e की पावर आई थीटा की वैल्यू होती है cos थीटा प्लस का आई साइन थीटा प्लस का आई साइन थीटा होती है। ठीक है, और e की पावर माइनस आई थीटा की वैल्यू क्या होती है बेटा, e की पावर माइनस आई थीटा की वैल्यू होती है cos थीटा माइनस आई साइन थीटा, cos थीटा माइनस आई साइन थीटा। ठीक है, आई साइन थीटा। ठीक है, ये इन दोनों को एक बार ऐड करोगे तो साइन साइन कट जाएगा, तो e की पावर आई थीटा प्लस e की पावर माइनस आई थीटा की वैल्यू हो जाएगी 2 cos थीटा। एक बार सबट्रैक्ट करोगे तो e की पावर आई थीटा माइनस e की पावर माइनस आई थीटा इधर हो जाएगा 2 आई साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई कि e की पावर आई थीटा माइनस e की पावर माइनस आई थीटा अपॉन टू आई। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, ये नेगेटिव आ रहा है बीच में, थीटा यहाँ पर ऐसे है तो इसकी वैल्यू आ गई टू आई साइन एस ए, टू आई साइन एस ए, थीटा इज अ एस ए। ठीक है, आई से आई कट गया, ध्यान रखना क्वेश्चन में आई कहीं पर भी नहीं आएगा लास्ट में, आई से आई कट गया। टू का रूट टू का टू में डिवाइड करोगे तो ऊपर रूट टू चला जाएगा, तो रूट टू अपॉन पाई साइन ऐसे अपॉन एस, रूट में टू अपॉन पाई साइन ऐसे अपॉन एस,
ये जो आया दिस इज द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स, ये एफ एक्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म आया है। अगर क्वेश्चन में वो सिर्फ ये बोलता कि फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म और वो डिडक्ट नहीं करवाता तो आप इस क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर हो रही है मेरी बात? यस सर। हाँ, अब क्या करना है हमें, अब वो रिड्यूस भी करवा रहा है तो मुझे इसका इनवर्स लेके चलना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे वी हैव बाय इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म, वी हैव बाय इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म। अब इनवर्स वाला फॉर्मूला लिख लेते हैं, इनवर्स वाला फॉर्मूला f inverse fs is equals to 1 upon root में 2 pi integral minus infinity से plus infinity e की power minus का isx fs ds convert करेगा किसमें, fx में convert करेगा। अब यहाँ पे value लगा दी तो 1 upon root में 2 pi integral minus infinity से plus infinity e की power i minus का isx fs की value, fs ये निकाला था हमने कि root में 2 by pi sin s upon s और ds, इसको बाहर ले गए, रूट टू से रूट टू कट जाएगा क्योंकि ऊपर रूट टू है नीचे रूट टू, और रूट पाई पाई हो जाएगा और इज इक्वल टू एफ एक्स। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन पाई इंटीग्रल माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी ई की पावर आई थीटा, भी मैंने बताया था ई की पावर आई थीटा क्या होता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, और ई की पावर माइनस आई थीटा क्या होगा कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। तो ई की पावर आई एस एक्स की वैल्यू क्या होगी माइनस का, कि कॉस एस एक्स माइनस आई साइन एस एक्स इंटू साइन एस अपॉन एस इंटू साइन एस अपॉन एस डी एस इज इक्वल टू एफ एक्स, एफ एक्स ये चल ही रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे इस साइन एस अपॉन एस का अंदर प्रोडक्ट कर देंगे और दो अलग अलग इंटीग्रल बना लेंगे। तो इसका प्रोडक्ट कर दिया मैंने अंदर और दो अलग अलग इंटीग्रल में चेंज कर दिया। तो देखो क्या बना कि इंटीग्रल माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी कॉस एस एक्स माइनस आई साइन एस एक्स अपॉन एस साइन एस ए डी एस इज इक्वल टू ये वाला पाई इधर चला गया पाई एफ एक्स, एफ एक्स हमारा ये है ही। ठीक है, ये देखो अब क्या करना है इसके दो अलग अलग इंटीग्रल कर दिए क्योंकि बीच में आई आ रहा है इसलिए। तो दो इंटीग्रल बने इंटीग्रल माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी कॉस एस एक्स इंटू साइन एस ए अपॉन एस डी एस माइनस का आई इंटीग्रल माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी साइन एस एक्स into sin s upon s ds is equals to pi और function की value लगा दी ये जो है हमारी। अब इस ये function कैसा है check करते हैं, this is the even function और this is the odd functions, even odd ही check करना है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि limit भी minus a से a के form में है, minus infinity से plus infinity के form में है, तो even odd की property आप लगा सकते हो। even function कैसे check करते हैं कि किसी फंक्शन में x के प्लेस पे माइनस x रखें और वो fx में कन्वर्ट हो जाए तो वो फंक्शंस कैसा होता है, इवन फंक्शन होता है। जैसे x स्क्वायर, x की पावर 4, cos x, ये सभी कैसे होते हैं, इवन फंक्शन होता है। और ऑड फंक्शंस क्या होते हैं, किसी फंक्शंस में अगर हम x के प्लेस पे माइनस x रखें और माइनस का fx आ जाए तो उस फंक्शन को हम ऑड फंक्शंस बोलते हैं। जैसे x, x क्यूब, sin x, tan x, ये सभी क्या होते हैं हमारे odd functions होते हैं। The graph of every even function is symmetrical about y-axis and the graph of every odd function is symmetrical about origin। यानी जो even function होते हैं उनका graph origin से y-axis के symmetric होता है, यानी y-axis पे बनता है, और जितने भी odd functions होते हैं उनका graph origin से पास होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर even odd की अगर property check करें तो यहाँ पर s के प्लेस पे माइनस s लगाओगे और cos माइनस थीटा इज cos थीटा होता है, यहाँ पर s के प्लेस पे माइनस s लगाओगे तो sin माइनस थीटा इज माइनस sin थीटा, और नीचे s के प्लेस पे माइनस s लगाओगे तो माइनस s, और माइनस माइनस कट जाएगा तो ये बच जाएगा प्लस का fs बन जाएगा। यानी s के प्लेस पे माइनस s रखा और बन का गया fs बन गया, इसका मतलब ये इवन है। अब इसको चेक करते हैं क्या ये भी इवन है, तो इसमें लगाया s के प्लेस पे माइनस s और sin माइनस थीटा इज माइनस sin थीटा, ये भी साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, ऊपर तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और नीचे एस के प्लेस पे माइनस एस रखोगे तो माइनस आ जाएगा। यानी कंडीशन क्या लग रही है कि आपने एस के प्लेस पर जहां जहां एस है वहां वहां माइनस एस लगाया और आ गया क्या माइनस का एफ एस आ गया, यानी माइनस बार एफ एस। तो दिस फंक्शन इज ऑड, और ऑड के लिए ऑड फंक्शन के लिए बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल इंटीग्रल माइनस ए से ए इंटीग्रल माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या होगी जीरो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि दिस इज द ऑड फंक्शन।
तो ये वाला इंटीग्रल मेरा क्या हो जाएगा, पूरा जीरो हो जाएगा बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। तो हमारा केवल ये इंटीग्रल आएगा, हम ये इंटीग्रल लेके चलेंगे। देखो ये इंटीग्रल हमने ले लिया, ये वाला देखो कि इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी कॉस एस एक्स साइन एस ए अपॉन एस डी एस इज इक्वल टू पाई। पाई क्यों हुआ यहाँ पर, पाई इसलिए हुआ कि ये कांस्टेंट फंक्शन है वन और जीरो, तो पाई का जब अंदर इंटू करोगे तो वन में करोगे तो पाई हो जाएगा, जीरो में करोगे तो जीरो, तो फंक्शन हो गया पाई और जीरो, और आगे की कंडीशन बिल्कुल सेम है। अब क्वेश्चन को आप मैच कर लो, हमने क्या करा, आंसर लैम्डा में आ रहा है तो एस को लैम्डा से रिप्लेस कर दिया, तो डी एस डी लैम्डा से रिप्लेस हो जाएगा। लिमिट पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्यों, क्योंकि लिमिट आपकी सेम रहेंगी, जब वेरिएबल सेम हो तो लिमिट चेंज हो जाती है, मतलब लिमिट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी एस की लिमिट यहाँ पर माइनस इनफिनिटी तो लैम्डा की लिमिट माइनस इनफिनिटी होगी, एस की लिमिट यहाँ प्लस इनफिनिटी तो लैम्डा की लिमिट प्लस इनफिनिटी होगी, तो लिमिट में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, बस आंसर आपका बन गया। यानी ये हो गया एस के प्लेस पे लैम्डा लगाया तो कॉस लैम्डा एक्स, कॉस लैम्डा एक्स, और यहाँ पर एक्स आएगा, एक्स कॉस लैम्डा एक्स लैम्डा, ये आएगा लैम्डा एक्स कॉस लैम्डा एक्स साइन लैम्डा ए अपॉन लैम्डा डी लैम्डा इज इक्वल्स टू पाई और जीरो, ये आपका आंसर हुआ। अब इसका डिडक्शंस पूछ रहा है, डिडक्शंस क्या होगा भाई, डिडक्शंस में पूछ रहा है क्या इसमें कॉस साइन इंटीग्रल जीरो से इंफिनिटी साइन यू अपॉन यू डी यू की वैल्यू बतानी है, तो इसी को आगे सॉल्व कर दो यहाँ से, ये इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे यहाँ से तो ये कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है, तो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल इवन फंक्शन की हम प्रॉपर्टी लगाएंगे, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल इवन फंक्शन की जब हम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये लिमिट हो जाएगी हाफ, लिमिट हो जाएगी हाफ, शिवम शिवम शर्मा शिवम शर्मा आपका वीडियो ऑन है बेटा, ये वीडियो ऑफ करो, आपका वीडियो ऑन है, वीडियो ऑफ करें शिवम शर्मा, एसीईआरसी एसीईआरसी शिवम शर्मा वीडियो ऑफ करो बेटा। स्टूडेंट हाँ देखे इधर डिडक्शंस कर रहा हूँ मैंने, हाँ क्या करा मैंने, इसमें x के प्लेस पर इस इंटीग्रल में x के प्लेस पे जीरो लगा दिया क्योंकि cos वाला टर्म्स नहीं आ रहा है, दोनों तरफ x के प्लेस पे जीरो लगा दो तो इधर cos जीरो की वैल्यू वन हो गई, ये हो जाएगा टू टाइम्स क्योंकि इवन फंक्शन है तो टू टाइम्स हो जाएगा जीरो से इन्फिनिटी साइन एस अपॉन एस डी एस इज इक्वल टू पाई, तो ये टू इधर चला जाएगा पाई बाई टू हो जाएगा इधर, तो इंटीग्रल जीरो से इन्फिनिटी साइन एस अपॉन एस डी एस इक्वल टू पाई बाई टू। एस को लैम्डा या यू से रिप्लेस कर दो क्योंकि यू ले रहे हो ना आप वहां पर, एस को यू से तो डी एस डी यू से रिप्लेस हो जाएगा, डी एस डी यू से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है, लिमिट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एस की लिमिट जीरो लगाओगे तो यू की लिमिट जीरो, एस की लिमिट इन्फिनिटी लगाओगे तो यू की लिमिट इन्फिनिटी, तो आंसर, और ए बराबर वन रख दो क्योंकि ए भी नहीं आ रहा आंसर में, तो ए बराबर वन पुट कर दिया तो ये आंसर आ जाएगा आपका हमारा कितना कितना आ जाएगा पाई बाई टू आ जाएगा इसका आंसर, कि इंटीग्रल जीरो से इन्फिनिटी साइन लैम्डा अपॉन लैम्डा या साइन यू अपॉन यू डी यू इज इक्वल टू पाई बाय टू, यानी उस इंटीग्रल की वैल्यू ये होगी पाई बाय टू। बताओ भाई स्टूडेंट बताएं, बात क्लियर हो रही है बेटा? यस सर। हाँ क्वेश्चन समझ में आ गया, ये और भी क्वेश्चन है अभी शेयर करूंगा आपको, ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स,
एक फंक्शन दे रखा है fx equals to cos x 0, जहां पर x की वैल्यू 0 से a के बीच में लाई कर रही है और x की वैल्यू greater than equals to a के लिए ये फंक्शन की वैल्यू 0 दे रखी है। क्या पूछ रहा है? कोसाइन ट्रांसफॉर्म। तो कोसाइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला लगाओ सीधे सीधे, और इसमें कोई डिडक्शंस नहीं निकलवा रहा, इसका मतलब आपको इनवर्स निकालना ही नहीं है, इसमें इनवर्स का यूज ही नहीं करना, सीधा सीधा आपको फंक्शंस ऑफ एस बनाना है। तो वी हैव बाय फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स, फॉर्मूला लगा दिया कोसाइन ट्रांसफॉर्म का, एफ सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट में 2 बाय पाई इंटीग्रल 0 से इंफिनिटी एफ एक्स कॉस एस एक्स डी एक्स, कन्वर्ट करेगा एफ सी ऑफ एस में, ठीक है। दिस इज द नोटेशंस, ठीक है। अब हमारा जो एफ एक्स है ये दो पार्ट में ब्रेक करा हुआ है, ए पर जाके ब्रेक हो रहा है कि, तो हम इंटीग्रल को भी दो पार्ट में ब्रेक करेंगे कि इंटीग्रल अंडर रूट में 2 बाय पाई इंटीग्रल 0 से ए कॉस, मैं फंक्शन की वैल्यू क्या दे रखी है, कॉस एक्स दे रखी है 0 से ए में, तो कॉस एक्स आ गया कॉस एस एक्स डी एक्स, प्लस ए से इंफिनिटी, ए से इंफिनिटी फंक्शन की वैल्यू क्या है 0 है और 0 कॉस एस एक्स और डी एक्स। अब आपको क्या करना है, ये तो जीरो हो गया इस वाला पार्ट, आपको ये वाला पार्ट को इंटीग्रेट करना है जीरो से ए लिमिट के लिए। आप बेटा बताओ इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए, स्टूडेंट बताएं प्लीज। 2 cos a cos b का फॉर्मूला लगा करके, तो 2 cos a cos b का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, बेटा कौन बताएगा? cos a plus b minus cos a minus b, cos a plus b माइनस आएगा प्लस आएगा सर, माइनस क्यों आएगा, माइनस आएगा प्लस माइनस प्लस आएगा cos a माइनस प्लस cos a माइनस भी आएगा, क्योंकि आप cos a cos भी निकाल रहे हो ना, अगर आपको sin a sin भी निकालना होता तो बीच में माइनस ले लेते हैं। तो ये तो फॉर्मूले बना सकते हो आप, इसमें कुछ नहीं है, ये फॉर्मूले आप बना सकते हो क्योंकि आपको ये सारे फॉर्मूले पता ही है कि भाई cos a plus b का फॉर्मूला क्या होता है, cos a plus b का फॉर्मूला होता है cos a cos b minus sin a sin b, cos a minus b का फॉर्मूला होता है cos a cos b minus sin a sin b, सॉरी प्लस sin a sin b, और sin a plus b का फॉर्मूला आता है sin a cos b plus cos a sin b, sin a minus b का फॉर्मूला होता है sin a cos b और minus cos a sin b। तो उनके अकॉर्डिंग आप देख करके कि क्या पूछ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला बना सकते हो रफली, ठीक है। तो इसमें फॉर्मूला लगेगा ये वाला, अब ए मैंने ले लिया एस एक्स को और बी ले लिया एक्स को, ठीक है, टू से मल्टीप्लाई टू से डिवाइड कर दिया यहां पर बाहर, तो देखो टू से मल्टीप्लाई टू से डिवाइड किया है मैंने, ये देखो, तो 2 से जब मल्टीप्लाई डिवाइड करा तो 2 से रूट 2 में डिवाइड करोगे तो रूट 2 नीचे आ जाएगा, तो 1 अपॉन रूट में 2 पाई हो गया ये, ठीक है। 2 cos a cos b का फॉर्मूला लगा दिया, a मेरा हो गया एस एक्स और b हो गया मेरा x, तो क्या होगा cos a plus b, cos a plus b तो a x बाहर आ जाएगा क्योंकि दोनों में x आ रहा है, तो cos s plus 1 और x बाहर प्लस का cos a minus b, तो s minus 1 और x बाहर dx। अब इंटीग्रल कर लो, इसको इंटीग्रेट तो कर सकते हैं ना अब, तो कॉस का इंटीग्रल क्या होता है, कॉस का इंटीग्रल होता है साइन, तो साइन एस प्लस वन एक्स अपॉन एस प्लस वन प्लस कॉस एस माइनस वन एक्स का क्या होगा, साइन एस माइनस वन एक्स अपॉन एस माइनस वन, लिमिट लगा दी जीरो से ए, पहले अपर लिमिट लगा दो माइनस लोअर लिमिट लगा दो, तो अपर लिमिट लगा दो पहले, पहले लगा दो ए फिर जीरो, तो a लगाया तो सब जगह a आ जाएगा x के प्लेस पर, तो 1 अपॉन रूट में 2 पाई साइन s प्लस 1 a अपॉन s प्लस 1 प्लस का साइन s माइनस a अपॉन s माइनस 1, और 0 लगाओगे तो साइन 0 तो 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ गया हमारा, ये इसका फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म हो गया जिसको एफ सी ऑफ s बोलेंगे। बताओ भाई कोई दिक्कत, क्या कह रहे हैं आवाज समझ क्लियर नहीं आ रही आपको, क्या कह रहे हो मेरे को समझ नहीं आ रहा,
ये तीसरी स्टेप कैसे है सर जी, आपने डॉट किया उससे पहले वाली, ये वाली, इसके बाद वाली, ये कैसे आई? इंट्रीगल कर दो ना बेटा, इसको इंट्रीगल करना है आपको। कॉस का इंट्रीगल क्या होगा? साइन होता है ना। अब कॉस ए एक्स की बात करें, अगर हम कॉस ए एक्स की बात करें तो कॉस ए एक्स का इंट्रीगल क्या होता है? कॉस ए एक्स का इंट्रीगल होता है साइन ए एक्स अपॉन ए, ये होता है ना, साइन ए एक्स अपॉन ए। इंट्रीगल करवा रहा हूं ना कि डिफरेंशियल, डिफरेंशियल में ए मल्टीप्लाई में आएगा और कॉस का इंट्रीगल, कॉस का डिफरेंशियल माइनस में होता है, लेकिन इंट्रीगल की बात कर रहे हैं तो कॉस का इंट्रीगल प्लस में होता है और साइन का इंट्रीगल माइनस कॉस होता है। तो कॉस कॉस एस प्लस वन एक्स का इंट्रीगल क्या होगा? साइन एस प्लस वन एक्स अपॉन एस प्लस वन। इसी टाइप से कॉस एस माइनस वन एक्स का इंट्रीगल होगा साइन एस माइनस वन अपॉन एस माइनस वन। ठीक है, इसमें लिमिट लगा दी जीरो से a, पहले a लगाया x के प्लेस पर तो ये आ गया साइन s प्लस वन a अपॉन s प्लस वन प्लस साइन s माइनस वन a अपॉन s माइनस वन, और जीरो लगाओगे तो जीरो हो जाएगा। तो ये आंसर आ गया, ये f c of s हो गया, और ये फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन, जो हमें फंक्शन दे रखा है उसका फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट हो गया। बताए भाई, आगे का क्वेश्चन बताओ बेटा। यस सर, यस सर, हाँ। अब दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स इक्वल टू ए की पावर माइनस एक्स वेयर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसको हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो, हाँ, और देखो ये क्वेश्चन में ये भी बोल रहा है, ऑल्सो शो दैट इंटीग्रल जीरो से इन्फिनिटी एक्स साइन एम एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू होगी पाई बाई टू ई की पावर माइनस एम, वेर एम इज ग्रेटर देन जीरो के लिए। ठीक है, ये आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट है, आई एम पी है ये, आई एम पी बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन, रिपीट भी होता है ना। चलो अब फॉर्मूला लिखेंगे, वी हैव बाय फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म फॉर्मूला क्या होता है? एफ ऑफ एस, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट में टू बाई पाई जीरो से इन्फिनिटी एफ एक्स इंटू साइन एस एक्स डी एक्स, कन्वर्ट करेगा एफ एस ऑफ एस में, है ना। और फंक्शंस मेरा क्या है, एफ एक्स क्या है मेरा, ई की पावर माइनस एक्स है, ई की पावर माइनस एक्स लगा दिया, साइन एस एक्स डी एक्स बाहर लिमिट बाहर है रूट में टू बाई पाई। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, अब इसको इंट्रीगल करना है तो मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था, देखो नीचे मैंने लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला याद रखना आप लोग, कॉस के लिए भी और साइन के लिए भी, दिस इज साइन का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दिया, आपको इंट्रीगल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी 12th में हम सीख के आते हैं इसका इंट्रीगल, तो आपको इस इंट्रीगल को करने की जरूरत नहीं है। बात समझ रहे हो, इंट्रीगल ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स का फॉर्मूला होता है डायरेक्टली, ई की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट में ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स, और अगर e की पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स डी एक्स दे रखा है तो उसका फॉर्मूला होता है e की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए कॉस बी एक्स प्लस का बी साइन बी एक्स, उल्टा हो जाएगा, बस बीच में वहां प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस आता है। अब ए कितना है इस फॉर्मूले में, ए कितना है माइनस वन, और बी कितना है हमारा एस, बी कितना है एस, तो इस फॉर्मूले में वैल्यू लगा दो क्या हो जाएगा, रूट में टू बाई पाई e की पावर माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए कितना है माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा, बी स्क्वायर क्या है एस, एस स्क्वायर, एस स्क्वायर प्लस वन हो गया, ए साइन बी एक्स, ए कितना है माइनस वन, तो माइनस वन साइन एस एक्स, माइनस का बी कॉस बी एक्स,
और बी कितना है s, तो माइनस का s साइन s cos sx, लिमिट लगा दी 0 टू इंफिनिटी। तो पहले इंफिनिटी लगाओ x के प्लेस पर, तो x के प्लेस पे इंफिनिटी लगाया हमने, तो e की पावर माइनस इंफिनिटी की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। हाँ स्टूडेंट, e की पावर माइनस इंफिनिटी की वैल्यू क्या होती है, 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। फिर माइनस करके लोअर लिमिट लगानी है, लोअर लिमिट क्या होती है, 0 है लोअर लिमिट, तो x के प्लेस पे 0 लगाया, e की पावर 0 की वैल्यू 1 हो गई, क्या बचा 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1, माइनस करके लगा रहे हो लोअर लिमिट, तो माइनस का 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 और रूट में 2 बाई पाई बाहर चल ही रहा है, और इनटू यहां पर लगाओगे s के प्लेस, x के प्लेस पे 0, sin 0 0 होगा, यहां पर x के प्लेस पे 0 और cos 0 के लिए 1, तो माइनस का s और आएगा, तो माइनस का s और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आंसर आया s अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 और रूट में 2 बाई पाई बाहर चल ही रहा है। तो दिस इज द फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ fs of s, दिस इज fs of s हो गया ये हमारा फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शंस। अगर यहां तक बोलता है तो मैं क्वेश्चंस को यहीं पे छोड़ दूंगा, ये हमारा साइन ट्रांसफॉर्म हो गया, ये मैंने यहां लिखा हुआ है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, डिड्यूस भी करना है, तो हम क्या करेंगे, वही इसके इनवर्स का यूज करेंगे, तो वी हैव बाय इनवर्स साइन ट्रांसफॉर्म, वी हैव बाय इनवर्स साइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला ले लिया, क्या होता है फॉर्मूला हमारा, फॉर्मूला ले लिया हमने कि f इनवर्स ऑफ s, fs ऑफ s रूट में 2 बाय पाई इंटीग्रल 0 से इंफिनिटी fs ऑफ s sin sx और ds, कन्वर्ट करेगा किस में, fx में, ठीक है। तो यहां fs ऑफ s की वैल्यू लगा दी, तो रूट में 2 बाय पाई 0 से इंफिनिटी fs ऑफ s की वैल्यू क्या है, रूट में 2 बाय पाई s अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 sin sx और ds इज इक्वल टू fx, fx क्या था, e की पावर माइनस x था, ठीक है। तो अब ये क्या बन गया, रूट में 2 बाई पाई, रूट में 2 बाई पाई, 2 बाई पाई हो गया, रूट हट गया, s sin sx upon s square plus 1 ds equals to e की पावर माइनस x, ये 2 बाई पाई इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ e की पावर x की तरफ, तो जाएगा इंटीग्रल 0 से इंफिनिटी s sin sx upon s square plus 1 ds is equals to pi by 2 e की पावर माइनस x। अब आंसर मैच करने के लिए हम ऊपर जाएंगे, ऊपर जाने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर m आ रहा है क्वेश्चन में, तो यहाँ पर m आ रहा है, इसका मतलब x को m से रिप्लेस कर रहा है, x को m से रिप्लेस कर रहा है, और क्या कह रहा है कि जहां s आ रहा है वहां पर x आ रहा है, तो x s को x से रिप्लेस कर दिया, s को x से, तो ds को dx से रिप्लेस करना पड़ेगा, और लिमिट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप लिमिट चेंज करके देखो कि s की लिमिट 0 है तो x की लिमिट 0, s की लिमिट इंफिनिटी है तो x की लिमिट इंफिनिटी, तो ये हो जाएगा लिमिट, नीचे करा हुआ मैंने इसको कंप्लीट, तो ये जाएगा लिमिट 0 से इंफिनिटी, देखो यहाँ रखा इंफिनिटी, s के प्लेस पर x रख दिया, साइन m सॉरी साइन की cos कैसे आ गया, cos इनवर्स साइन ट्रांसफॉर्म, कॉस पूछ रहे हैं, साइन पूछ रहा है, एक मिनट देखने दो मेरे को, साइन पूछ रहे हैं ना, ये गलती से लिखा हुआ है, तो यहां सही कर लेना, यहां पर साइन ही है, ये मैंने यहां पर कॉस लिख दिया है, तो ये जाएगा साइन एमएक्स, mx upon 1 plus x square dx is equals to pi by 2 e की पावर माइनस m, where m is greater than 0। बेटा क्लियर हो रहा है ना, यहाँ से आपने क्या करा, x को तो m से रिप्लेस कर दिया, और s tends to x तो ds tends to dx हो जाएगा, लिमिट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आंसर आ गया इंटीग्रल 0 से इंफिनिटी x को x sin mx upon 1 plus x square dx is equals to pi by 2 e की पावर माइनस m, where m is greater than 0, ये प्रूफ हो गया, यानी इसके इंटीग्रल की वैल्यू क्या आई, pi by 2 e की पावर माइनस m आई, ये प्रूफ पार्ट था, तो प्रूफ पार्ट कंप्लीट हो गया, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखना है ना, कर लोगे, यस सर, ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और बच रहा है इसमें, वो भी बताता हूं मैं, देखें अब ये क्वेश्चन आप अपने आप कर लेना, ये पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा आज आपको, ये क्वेश्चन अपने आप करना घर पे आज, ये वाले क्वेश्चन, ये फाइंड द फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन,
टू ई की पावर माइनस फाइव एक्स प्लस का फाइव ई की पावर माइनस टू एक्स। और साइन ट्रांसफॉर्म पूछ रहा है, ऊपर मैंने साइन वाला फॉर्मूला लिखा ही चुका हूँ, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके इसको करोगे आप अपने आप। और ये कह रहा है फाइंड फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म एफ सी टी, एफ सी टी का मतलब फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स इक्वल टू, इसका कोसाइन